बड़ी मुश्किल से मैंने आंख खोली, मुझे सपने दिखाए जा रहे थे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बड़ी मुश्किल से मैंने आंख खोली, मुझे सपने दिखाए जा रहे थे। वाह भाई वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, देखिए कि बहुत शुक्रिया। इसलिए भी मैं बहुत देर से पहुंचा तुझ तक। हाय हाय हाय, क्या बात है। इसलिए भी मैं बहुत देर से पहुंचा तुझ तक, अपने कदमों का हर एक नक्श मिटाना था मुझे। अभी अभी पीछे हम जब ग्रीन रूम में बैठे थे, वहाँ से जब आप बोल रहे हैं, तो अब्बास ताबिश साहब एक किस्सा सुना रहे थे, गालिबन शेख राशिद ऑडिटोरियम का ही किस्सा है, कि राहत भाई से किसी ने इसी तरह बोला तो राहत भाई ने यही कहा कि भाई तुम जहाँ बैठे हो वहाँ पहुँचने में मुझे सिर्फ 2 कदम लगेंगे, लेकिन यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ मुझे 30 साल लग गए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरा पेशा जो है वो सहाफ़त का है, टेलीविज़न की जो सहाफ़त है वो बहुत इनोवेटिव होती है, आपको नए नए तजुर्बात करने होते हैं। मेरी कोशिश रहती है अब्बास ताबिश साहब, तारिक सब्ज़वारी साहब, कि जो बिल्कुल बंधी टकी सी निज़ामत है जिसमें आप शेर दर शेर पढ़ते जा रहे हैं, उससे कुछ अलहदा आपको आज शाम से आप शायरों के ज़रिए भी और निज़ामत के ज़रिए भी लेकर जाए। मुझे याद आ रहा है 2009 का वाकया है, मैं और जगजीत सिंह साहब एक कॉन्सर्ट में कश्मीर जा रहे थे और अचानक रास्ते में बात हुई कि कश्मीर पर कुछ तुम मिसरे कहो और उसको नज़्म करते हैं। मैं जिस अगले शायर को आपके दरबार में पेश करने वाला हूँ, ये उसी की नज़र है, ये नज़्म। कुछ मिसरे मैं पढ़ देता हूँ कि हमारे जम्मू और कश्मीर की क्या खसूसियात हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा शायद आप वहाँ के हालात हाजिर पे कुछ लिखवाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम हालात हाजिर पर नहीं, वहाँ की खसूसियात पर तुम कुछ लिखो। पहाड़ों के जिस्मों पे बर्फीली चादर, चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर, हंसी वादियों में महकती है केसर, कहीं झिलमिलाते हैं झीलों के जेवर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। ये झीलों के सीनों से लिपटे शिकारे, ये वादी में हंसते हुए फूल सारे, यकीनों से आगे हंसी ये नजारे, फरिश्ते उतर आए जैसे जमीन पर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। सुखन सूफियाना, अब इन मिसरों के बाद मैं उस शायर को आवाज दूंगा जो उसी खूबसूरत फिजाओं से वादियों से आता है। सुखन सूफियाना, हुनर का खजाना, अजानों से भजनों का रिश्ता पुराना। सुखन सूफियाना, हुनर का खजाना, अजानों से भजनों का रिश्ता पुराना, ये पीरों फकीरों का है आस्ताना, यहाँ मुस्कुराती है कुदरत भी आकर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर, है कश्मीर धरती पे जन्नत। वो हिंदुस्तान के हिस्से का कश्मीर हो या पाकिस्तान के हिस्से का कश्मीर हो, वो कश्मीर बेहद खूबसूरत है, और उसी कश्मीर से एक बेहद खूबसूरत नौजवान शायर मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह है, तौसीफ़ ताबिश। मैं चाहता हूँ आप पुरजोर तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें डाइस पर, भाई तौसीफ़ ताबिश। शुक्रिया आलोक भाई। साहिब सदर की इजाज़त से सर जी, एक मतला और कुछ शेर देखिए के। दश्त से लौट के जाना भी नहीं आता है, दश्त से लौट के जाना भी नहीं आता है, दश्त से लौट के जाना भी नहीं आता है, और मुझे खाक उड़ाना भी नहीं आता है। शुक्रिया, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, दश्त से लौट के जाना भी नहीं आता है, और मुझे खाक
उड़ाना भी नहीं आता है। तेरे क्या ख्वाब चुराऊंगा कि मुझे सुंगो, तेरे क्या ख्वाब चुराऊंगा कि मुझे सुंगो, बाग से फूल चुराना भी नहीं आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरे क्या ख्वाब चुराऊंगा कि मुझे सुंगो, बाग से फूल चुराना भी नहीं आता है। जुत्सी भाई, कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हो हमेशा मुझ में। वाह 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 वाह। कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हो हमेशा मुझ में, तुमको तो ठीक से जाना भी नहीं आता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हो हमेशा मुझ में, तुमको तो ठीक से जाना भी नहीं आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हो हमेशा मुझ में, तुमको तो ठीक से जाना भी नहीं आता है। भूल जाता हूँ कि वो भी है मेरी दुनिया में, भूल जाता हूँ, भूल जाता हूँ कि वो भी है मेरी दुनिया में, और उसे याद दिलाना भी नहीं आता है, और उसे याद दिलाना भी नहीं आता है। कुछ शेर और देखे के परिंदे आजमाए जा रहे थे, वाह, परिंदे आजमाए जा रहे थे, परों से घर बनाए जा रहे थे, उधर सूरज सरों पर आ चुका था। वाह वाह वाह। उधर सूरज सरों पर आ चुका था, इधर जिस्मों से साए जा रहे थे। हाय 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 हाय। वाह 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 तौसीफ, वाह। उधर सूरज सरों पर आ चुका था, इधर जिस्मों से साए जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने आंख खोली, बड़ी मुश्किल से मैंने आंख खोली, मुझे सपने दिखाए जा रहे थे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, क्या बात है। बड़ी मुश्किल से मैंने आंख खोली, मुझे सपने दिखाए जा रहे थे। वाह भाई वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, देखिए के बहुत शुक्रिया, देखिए के आशियां छोड़कर निकल आए, आशियां छोड़कर निकल आए, जब परिंदों के पर निकल आए, आशियां छोड़कर निकल आए, जब परिंदों के पर निकल आए, उसने जब हाथ में लिया पत्थर, उसने जब हाथ में लिया, उसने जब हाथ में लिया पत्थर, कितने बेताब सर निकल आए। वाह 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 वाह। उसने जब हाथ में लिया पत्थर, बहुत शुक्रिया, कितने बेताब सर निकल आए। जिस जगह रोशनी नहीं आती, जिस जगह रोशनी नहीं आती, उस जगह तू अगर निकल आए, जिस जगह रोशनी नहीं आती, उस जगह तू अगर निकल आए। बहुत शुक्रिया सर। एक मतलब देखिए कि कुछ ने आंखें कुछ ने चेहरा देखा है, कुछ ने आंखें कुछ ने चेहरा देखा है, कुछ ने आंखें कुछ ने चेहरा देखा है, सबने तुझको थोड़ा थोड़ा देखा है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। कुछ ने आंखें कुछ ने चेहरा देखा है, सबने तुझको, सबने तुझको थोड़ा थोड़ा देखा है। तुम पर प्यास के मानी खुलने वाले नहीं, तुम पर प्यास के मानी खुलने वाले नहीं, तुमने पानी पीकर दरिया देखा है। तुम पर प्यास के मानी खुलने वाले नहीं, तुमने,
तुमने पानी पीकर दरिया देखा है। लगता है मैं प्यास से मरने वाला हूँ, लगता है मैं प्यास से मरने वाला हूँ। मैंने कल शब ख्वाब में सहरा देखा है, मैंने कल शब ख्वाब में सहरा देखा है। रोती आंखें ये सुनकर खामोश हुई, रोती आंखें ये सुनकर खामोश हुई। मलबे में एक शख्स को जिंदा देखा है। बहुत शुक्रिया। रोती आंखें ये सुनकर खामोश हुई। मलबे में एक शख्स को जिंदा देखा है। कैदी रात को भागने वाला है ताबिश, कैदी रात को भागने वाला है ताबिश। उसने ख्वाब में खुफिया रास्ता देखा है। कैदी रात को भागने वाला है ताबिश, उसने ख्वाब में खुफिया रास्ता देखा है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल हो भाई, बहुत पुरजोर तरीके। एक गज़ल का मतलब और शेर कुछ देखे कि वो परीजाद है ये सबको दिखाना था मुझे, वो परीजाद है ये सबको दिखाना था मुझे, सिर्फ एक बार उसे हाथ लगाना था मुझे। क्या बात है, क्या बात है। वो परीजाद है ये सबको दिखाना था मुझे, सिर्फ एक बार उसे हाथ लगाना था मुझे। इसलिए भी मैं बहुत देर से पहुंचा तुझ तक। हाय हाय हाय, क्या बात है। इसलिए भी मैं बहुत देर से पहुंचा तुझ तक, अपने कदमों का हर एक नक्श मिटाना था मुझे। इसलिए भी मैं बहुत देर से पहुंचा तुझ तक, अपने कदमों का हर एक नक्श मिटाना था मुझे। अपनी तैराकी भी करनी थी सभी पर साबित, अपनी तैराकी भी करनी थी सभी पर साबित, और फिर खुद को भी लहरों से बचाना था मुझे। और फिर खुद को भी लहरों से बचाना था मुझे। मेरी शोहरत के तकाजे ही अलग थे ताबिश, मेरी शोहरत के तकाजे ही अलग थे ताबिश। गुमशुदा रहते हुए नाम कमाना था मुझे। बहुत शुक्रिया। मेरी शोहरत के तकाजे ही अलग थे ताबिश, गुमशुदा रहते हुए नाम कमाना था मुझे। क्या अच्छा है भाई, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। था अंधेरों की हुक्मरानी में, था अंधेरों की हुक्मरानी में, एक जुगनू मरा जवानी में। था अंधेरों की हुक्मरानी में, एक जुगनू मरा जवानी में, जिसका उनवान आग रखा था। क्या बात, जिसका उनवान आग रखा था, खुद बहा दी वो नज्म पानी में। जिसका उन्मान आग रखा था, खुद बहा दी वो नज्म पानी में। तेरे पैरों को चूमने के लिए, तेरे पैरों को चूमने के लिए मछलियां लड़ रही हैं पानी में। तेरे पैरों को चूमने के लिए मछलियां लड़ रही हैं पानी में। बहुत शुक्रिया सर। तेरे पैरों को चूमने के लिए मछलियां लड़ रही हैं पानी में। ऐ कलमकार माजरत मेरा, ऐ कलमकार माजरत मेरा, दिल नहीं लग रहा कहानी में। ऐ कलमकार माजरत मेरा, दिल नहीं लग रहा कहानी में। एक और गजल के कुछ चंद अशआर फिर आपसे इजाजत लूंगा। के मतलब देखिए कि नज़र
नजर से मिलाना बहुत जरूरी था। नजर नजर से मिलाना बहुत जरूरी था। नजर नजर से मिलाना बहुत जरूरी था। हमारा वजद में आना बहुत जरूरी था। वाह वाह वाह। नजर नजर से मिलाना बहुत जरूरी था। हमारा वजद में आना बहुत जरूरी था। किसी ने पूछ लिया था गजल के बारे में। किसी ने पूछ लिया था गजल के बारे में। तुम्हारा नाम बताना बहुत जरूरी था। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। अच्छा पढ़ा भैया। वाह 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 वाह। किसी ने पूछ लिया था गजल के बारे में। तुम्हारा नाम बताना बहुत जरूरी था। किसी को छांव मैसर करानी थी मैंने। किसी को छांव मैसर करानी थी मैंने। कि मेरा धूप में आना बहुत जरूरी था। किसी को छांव में असर करानी थी मैंने। बहुत शुक्रिया। किसी को छांव में असर करानी थी मैंने। कि मेरा धूप में आना बहुत जरूरी था। बदन में खून की गर्दिश बहुत ही मधम थी। क्या बात है भाई, वाह। बदन में खून की गर्दिश बहुत ही मधम थी। उसे गले से लगाना बहुत जरूरी था। वाह 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 वाह। बदन में खून की गर्दिश बहुत ही मधम थी। उसे गले से लगाना बहुत जरूरी था। उसे गले से लगाना बहुत जरूरी था। खामोशी गूंज रही थी हमारे कानों में। खामोशी गूंज रही थी। खामोशी गूंज रही थी हमारे कानों में। हमारा शोर मचाना बहुत जरूरी था। खामोशी गूंज रही थी हमारे कानों में। हमारा शोर मचाना बहुत जरूरी था। आलोक भाई जी, यहां तो मान रहे थे सभी खुदा तुमको। यहां तो मान रहे थे सभी खुदा तुमको। तुम्हारा सामने आना बहुत जरूरी था। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ। वो गज़ल का लहजा नया नया, ना कहा हुआ ना सुना हुआ। ये डॉक्टर बशीर बद्र का शेर, तौसीफ़ की नज़्म। मैं चाहता हूँ एक बार ज़ोरदार इस्तेमाल।